ये आई होप इन लोग ना ऑर्गेनिक कलर यूज करे क्योंकि नॉर्मल कलर से ना मुझे एलर्जी है। केतकी मैं तो तेरे बालों में कलर डालने वाली हूँ। अरे हम भी, तुम लोग मेरे बालों से जलते हो। हैप्पी होली, हैप्पी होली। नहीं प्रिंथम, कमजोर नहीं पड़ना। नहीं, मैं अपने ध्यान से नहीं भटक सकती। ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है प्रिंथम। आज तो मजा आ जाएगा। तुम लोगों को तो नहीं पता पर तुम सबको ये भांग पिला के मुझे बहुत मजा आएगा। ओ हैप्पी होली। आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तुम तो इनकी बहू नहीं हो। बहू? ओप्स सॉरी, एक्चुअली मुझे लगा ठंडाई के लिए पूछा। बहू और ठंडाई ये मिक्स कैसे किया? होली में सब कुछ मिक्स हो जाता है आंटी। आंटी की तो। वेल हैप्पी होली। थैंक यू। वैसे इनकी बहू ज्यादा ब्यूटीफुल है या मैं? इन समझ गई। ये कौन है? चाचा जी, पीजिए पीजिए होली पीजिए। तभी तो आप झूठ बोल पाओगे कि आप कितनी सक्सेसफुल पर्सन है। क्या? अरे और नहीं तो क्या, लोग आपको जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? ये बात सही है। इस बार तो मैं और एक ग्लास ले लेता हूँ। ये लो, ये पियो। आई होप तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। अरे वो देख, हमारे कोई अपने टाइप इतने टाइम बाद। I swear, she's perfect 10 bro. So you're 5. You are 4. तुम हमें पॉइंट्स दे रही हो? Yeah, sure. You are 3. You are 2. और मैं हूँ number 1. You are 0. Whoa! Zero. अरे देव भाई आ गए! जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है। जो भी फैसला तुम लोग अपने लिए सही को चुनो। मेरे लिए रिश्ते समझौता नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूं लेकिन मेरे लिए शादी बिजनेस डील नहीं है। अरे हैप्पी होली। अरे पैर नहीं गले मिलो।
हैप्पी होली। नहीं 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 नहीं, रसम है अभी। पाप। हैप्पी होली, जीते रहो बेटा। हैप्पी होली पापा जी। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली देव। हैप्पी होली डैड आपको भी। हैप्पी होली देव। नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नशे वाला तो नहीं मिला है ना? कम ऑन भाभी, आप तो हमारी तरह कूल बनो यार, उस पुजारी की डाउन मार्केट बेटी की तरह नहीं। रोहन। कौन कौन पुजारी? अरे कुछ नहीं भाभी, आप ठंडाई पियो ना। ओहो ठंडाई है बाबा, कुछ नहीं होगा। नशे वाला कुछ मिला है? मुझे नहीं मिला। नहीं नहीं, तुम लड़कों को जो पीना है पियो, बहू को मत परेशान करो। आओ बेटा। ये आपके लिए है। No thanks. क्यों? नशे में खुद पे काबू नहीं कर सकते हो क्या? मेरी वाइफ यहीं है। ओह, क्यों? वाइफ का डर है? I'm not scared. शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मेरी वाइफ है। So stop hitting on me. मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत लॉयल हूँ। Lucky her. But मैं सिंगल हूँ बेबी। Feel free to hit on me. No, thanks, Mr. Zero. अभी तो खेल शुरू हुआ है देव पारिक, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। वाइफ के लिए लॉयल है, माय फुट। क्या हुआ बा? नहीं बस कुछ नहीं, ये सब मौज मस्ती देख रही हूँ। हाँ पता है, मेरी भी ऐसी धूमधाम वाली पहली होली है, पर ना मेरे घर पे तो ऐसे ट्रेडिशनल होली बनाते हैं, पूजा पाठ करो और खत्म। अच्छा वो कहाँ है? मनीष नहीं दिखाई दे रहा है। कौन मनीष? अरे तेरा भाई मनीष। अरे बाप, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इन बदमाशों ने ठंडे में कुछ ऐसे मिलावट करके दे दिए। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी सी चढ़ रही है। मैंने अभी पूछा था आपसे, कौन मनीष? ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, पर वो आने वाला था ना, तो कहाँ है वो? अरे बाप, उसे अब कहाँ मेरी याद आएगी, वो तो होगा अपने ससुराल वालों के साथ होली होली मना रहा होगा। पर बेटा ये तेरी शादी का दूसरा दिन है ना, और तेरे पगफेरे की पूजा भी बाकी है, तो तेरे मायके से कोई तो आएगा ना। और अभी तो तूने मुझे कहा कि तेरे घर वाले बहुत ट्रेडिशनल हैं। हाँ है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है शादी के माहौल में सब थक जाता है ना, हो सकता है शायद आज नहीं करेंगे वो। शायद बाद में करेंगे, तुझे नहीं बताया वो लोगों ने? बेटा तू कुछ छुपा रही है? सच्ची कुछ भी नहीं बा, वो बस शादी थोड़ी हड़बड़ी में हुई ना, सब थक गए होंगे इसलिए शायद हो सकता है। तेरे चेहरे पे डर क्यों दिख रहा है? वो अभी अभी शादी हुई है ना, देव के अलावा मुझे यहाँ कोई पहचानता ही नहीं। पता नहीं आप लोग सब मुझे अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, आप मुझे दिल से प्यार करेंगी नहीं, तो थोड़ा डरी हुई हूँ। मेरा दिल जीतने के लिए तुझे तेरा दिल साफ रखना होगा, हमेशा अपनी हरकतें और बातों में ईमानदारी रखनी होगी। चल जा अब तू होली खेल। नहीं मैं आपके साथ बैठूंगी। नहीं नहीं जा, मैं यहाँ बैठती हूँ, तू खेल उनके साथ, जा जा बेटा। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई, अब क्या करूं? इसको रास्ते से पहले हटाना पड़ेगा। मुनिका की मदद लेती हूँ, अब वही मदद कर सकती है, वही मेरे काम आ सकती है। मैं क्यों छुप रही हूँ? मुंह मुझे नहीं, इन्हें छुपाना चाहिए। हेलो, कहाँ है वो? कौन? मुर्गी। वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। What? What मतलब? तेरी बीवी नंबर टू कहाँ है? शलाका, शलाका। थैंक गॉड, ये तो मुंडिका के पास हर प्रॉब्लम को मिटाने का हल है। ये पानो Thank you.
अब ठंडा ही नहीं बा, छाछ पी के हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाओगी। बा ओ बस कर, बस 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 भाई तू सारा नशा होता। हाँ यार बंद कर ये ढोल पीटना, we want some real music को डीजे शीजे बजवा यार। रियल म्यूजिक चाहिए तुम्हें? हाँ रुक, हर्ष गाना चला दे। लगा रहे लगा रहे, रुक जा। वो 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 रिंदा, क्या हुआ इतना सन्नाटा क्यों है? पहचाना नहीं? मैं वृंदा। हैप्पी होली। वाह बा, वृंदा कैसी हो आप? बा मैं ठीक हूँ, पर मैं जानती हूँ मुझे आने में देर हुई, पर मैं जानती हूँ कि आप मुझ पे भरोसा करती हैं, और आप जानती हैं कि मैं कभी कुछ भी गलत नहीं करूंगी, इसलिए ये भरोसा बनाए रखना। हाँ ए वृंदा, सासुमा छोड़, सब लोग मुझसे इतना गुस्सा है, लेकिन ये सासुमा आप कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ मेरी भगोड़ी बहू, तू बता तू कैसी है? बताऊं? म्यूजिक कौन है मेरी मिर्ची? वो जो मेरा बदला पूरा करेगी। एक वृंदा नाम की नागिन ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी माँ तक को भी। इस बार वृंदा को मैं अपना और कुछ छीन नहीं दूंगी। देव, बेटा देव को वृंदा से बात कर लेने दे, जरूरी है। लेकिन बाबू वो लड़की बीवी नंबर वन देव भाई की फर्स्ट वाइफ वही तो है। बेटा उसे वृंदा से बात कर लेने दे, जब तक वो अपने अतीत से रिश्ता नहीं तोड़ेगा तो अपने आज से कैसे जुड़ेगा, तुझसे कैसे जुड़ेगा? हाँ लेकिन बाप, आप कह रही है तो ठीक है पा, लेकिन शादी बात मेरी और देव की पहली फूल की है, और अभी तक तो शगुन का टीका भी नहीं लगाया मैंने देव को। शादी के बाद पहला हक तो मेरा देव पर और देव का मुझ पर बनता है ना, रंग लगाने का दादी, फिर वो। अरे बेटा वो कौन सा होली खेलने जा रहा है, सिर्फ बातें तो करने जा रहा है ना। लेकिन बाप, बातें कर लेने दे बेटा, कर लेने दे, ठीक है? ये तो भक्त है वृंदा की, कहें इसकी छास कहें, इस पहले छास पिला कर मारूंगी। वृंदा भले ही वापस आ गई हो, लेकिन इस बार वो मेरा कोई भी प्लान फेल नहीं कर पाएगी, मैं उससे ऐसा करने ही नहीं दूंगी। क्या कर रही हो यहाँ पर? What the hell are you doing here? अजीब है, खुद ही बुला के खुद ही पूछ रहे हो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। What? याद नहीं है तुमने तो बोला था आ जाना होलिका दहन वाले दिन, तुमने कहा था मेरे पास आना, मेरे बगल में बैठ जाना, तो मैंने वही किया। मैं कल रात आई थी लेकिन तुम किसी और के साथ थे अपनी। कुछ ज्यादा ही देर से नहीं जागी हो तुम? क्या हुआ, इतना टाइम लग गया तुम्हें फैसला लेने में? क्या कर रही थी इतना टाइम? तैयार। क्या कहा? मेरा मतलब है देव, मैंने एक साल में कुछ नहीं किया पर तुमने बहुत कुछ कर लिया। शादी कर ली, नई बीवी ले आया, I mean illegal है। My foot illegal, तुम छोड़ के गई थी मुझे, you abandoned me, remember? हाँ पर desertion law फिर भी नहीं लगेगा ना, मतलब वो तब लगता है जब पत्नी 2 साल तक पति के पास लौट के ना आए।
पर मैं एक साल बाद आ गई तो इस लॉजिक से तुम्हारी शादी इलीगल हुई। तो तुम्हें क्या लगा था जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करता रहता मैं? इतना फालतू हूँ मैं? ओ नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, वो तो तुम्हारे सर पे पैसा कमाने का भूत सवार है जो तुम्हें कुछ करने नहीं देता, तुम्हें कुछ सोचने नहीं देता, तुम्हें हर चीज छीनने को कहता है। हाँ, कहता है। काम का भूत मुझे पैसा कमाने को कहता है, दिन रात मुझे सोने नहीं देता, लेकिन ये काम का जो भूत है तुम्हारे प्यार के भूत से कहीं ज्यादा अच्छा है, तो मेरे सर पे बैठ गया था। तुम्हारी हजार गलतियों के बावजूद तुम मुझे गलत नहीं लगती थी, तुम्हें कुछ नहीं कहता था, तुम्हें हमेशा माफ कर देता था मैं। लेकिन आज जब मेरे सामने खड़ी हो ना, रियलाइज कर रहा हूं मैं कि तुमने मुझे कितना पागल करके रखा हुआ था। दिन रात काम करके मेरा खून इतना नहीं सूखता जितना तुमने मेरा खून नहीं सूख रहा, तुम्हारा गला सूख रहा है, पानी पी लो। तुम ना तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड डोंट प्रिटेंड कि तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो। रुको, नहीं 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 देव, रुक जा। अरे क्या ये, नहीं सुनो। व्हाट? कुछ नहीं, तुम अपने अमीरी के किस्से सुना। अमीरी नहीं, कामयाबी। कामयाबी जो कि एक बहुत अच्छी फीलिंग है, इंसान अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है, आजाद हो जाता है। और आजादी तो तुम्हें भी बहुत पसंद है ना, इसीलिए तो सारे रिश्तों से आजाद होकर चली गई थी। यू नो व्हाट, अब मुझे तुमसे ये नहीं जानना है कि तुम यहां पर आई क्यों, बस ये बताओ कि यहां से जा कब रही हो। कभी नहीं। तुम मेरे पति हो देव, ये मेरा ससुराल है। I'm still Brinda Dev Parekh. रॉबेश, हमारे बीच सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है देव, और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं खत्म ना कर दूं। और मेरे सब कुछ खत्म करने में अभी देर है, अभी तो तुम्हें बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं देव। मेरे साथ जो कुछ भी गलत किया। What गलत? मैंने गलत किया? How can you say that? तुम्हारे मुंह पे ये बात भी कैसे आई? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने और मेरी फैमिली ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। I'm sorry. मैं कैसे भूल गई? तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे लिए मेरा मतलब है मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो मैं जीते जी कभी नहीं भूलूंगी। तुम ताने दे रही हो मुझे? आईना दिखा रही हूँ, वो आईना जिसने मुझे मेरे दोस्त की असली शक्ल दिखाई, तुम्हारी देव पारिक की असली शक्ल, जो एक सक्सेसफुल रूथलेस बिजनेसमैन है। दिमाग बहुत है तुम्हारे पास लेकिन दिल नहीं है देव, और इस देव पारिक से बहुत नफरत है, मुझे पसंद नहीं। तो आई क्यों यहाँ पर? तड़पाने, सताने, क्या है ना बचपन की आदत है, मजा आता है। सारे मजे तुम ही नहीं लोगी। वाव, स्कोर 1 पर देव पारिख। पर तुम्हारी ऐसी हालत देख के तुम्हारी वो नकली वाइफ क्या बोली? नकली वाइफ? प्रॉपर शादी की है मैंने उससे, फेरे लिए उसके साथ, रस्में कस्में हुई है हमारी। शलाका मेरी बीवी है। पर असली और पहली बीवी तो मैं हूं ना देव। हो लाइक दैट, फिर उस लॉजिक से तो नो नो। कहने को इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दो दो बीबियों का पति, गुलाल खुद लगाना पड़ रहा है। Stop laughing. क्यों? क्या करोगे? देव मैं
पहली होली बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस वृंदा देव पारेख। क्या हुआ, आवाज ही नहीं आ रही? देव! वेल प्लेड वृंदा। देव पारेख में अब भी डिसेंसी बाकी है। क्या हो गया था मुझे? ये क्या हो जाता है मुझे? देव के आते ही मेरा ध्यान क्यों भटक जाता है? क्यों? बदला लेना है मुझे उससे, यही मेरा मकसद है। ये याद रख वृंदा, मारना है उसे, मारना है उसे, उसे मारना है मुझे। शलाका बेटा, देव वापस नहीं आया अब तक? मुझे उन्हें शगुन का पहला टीका लगाना था, लेकिन वो दीदी, ये तो पूरा रंग पोत के आ रहा है। लगता है कि ये पीके भी आ रहा है दीदी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है बा। आप ही चाहती थी ना देव वृंदा से बात करें, चीजें सॉर्ट आउट करें। सॉर्ट आउट? अब सॉर्ट आउट क्या करेगा, ये तो पूरा आउट है। देखा, रुला दिया ना बेचारे को। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं देव को शकुन का पहला टीका तो नहीं लगा सकती, लेकिन उसके साथ डांस कर ही सकती हूँ मैं। रोहन, म्यूजिक। ओ या सॉरी, म्यूजिक। क्या हुआ देव, तेरी वृंदा से बात हुई? वो मेरी बहुत सुनती कहाँ है बा, ना पहले सुनती थी ना अब सुनती। भाड़ में जाए वृंदा, तू अपनी बीवी के बारे में सोच, अपनी असली बीवी के बारे में सोच। चल उसके साथ डांस कर ले, चल जाओ बेटा, देव के साथ डांस करो, जाओ। नहीं नहीं, मैं बा को छाछ दे कर आती हूँ। अरे मैं दे दूंगी, तुम जाओ। देव भाई, देव भाई, चलो लेट्स डांस। होली का पहला डांस भी हो गया वृंदा। मैं वृंदा नहीं, शलाका हूँ। आपके माथे पे उसके माथे पे, आपके गाल उसके गाल और आपके होंठ उसके होंठ। शट अप एंड डांस। देखो जो भी तुम्हारा नाम है, मिसेस शलाका देव पारेख नाम है मेरा। देखो शलाका, मुझे नहीं पता तुमने एक ऑलरेडी शादीशुदा आदमी से शादी कैसे कर ली, जबकि देव से मेरा डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, तो उस हिसाब से तुम्हारी शादी इलीगल है। ऐसे कैसे बात कर सकती है हमसे? अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए हैं हम। झूठ बोल के शादी कराई गई है तुम्हारी, समझ रही हो तुम? देखो शलाका, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मेरे दिल में हो तो क्या मतलब? मतलब बहुत साफ है, आप मुझसे मेरा हक छीनना चाहती है, मेरा पति छीनना चाहती है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऑफ कोर्स मैं आपके खिलाफ जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी,
और वो मैं आज से नहीं हमेशा से हूँ और हमेशा रहूंगी। देखो शलाखा मेरी बात सुनो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। कमजोर हो जाएंगी, उन्हें मैं छाछ पिलाती हूँ। छाछ पी जा, पियो और जल्दी से मर जाओ बा। सबको छाछ पिला, सबको छाछ पिलाते। भाभी हाँ, देव भाई इज रियली ड्रंक। अब क्या होगा? सौतनों की जंग। लगी तो नहीं आपको? बा गलती से हो गया। हाँ कोई बात नहीं बेटा, बस मैं Just get the hell out of here. Just go. जाओ तुम उसके पास अपने, क्या नाम है उसका, रजत, उसके बच्चे की माँ। मैं किसी के बच्चे की माँ नहीं थी देव, वो टेस्ट फॉल्स थे। मेरा कोई बच्चा नहीं है, ना कभी कोई बच्चा था। What? मैं प्रेग्नेंट नहीं थी देव, कभी भी नहीं। तब झूठ क्यों बोला तुमने? एनीवेज तुम मेरे दिमाग से बाहर हो, तुम जाओ यार, जस्ट गो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं देव, मुझे किसी की नहीं पड़ी है, मुझे इन लोगों की परवाह नहीं है। कोई एक इंसान है जिसकी सच में परवाह है मुझे, वो तुम हो देव। तुमसे एक अटैचमेंट फील होती है मुझे देव। अटैचमेंट मुझसे छूटी? हाँ मैं ही एक इंसान हूँ जिससे कभी कोई अटैचमेंट नहीं हुई तुम्हें, कभी कोई फीलिंग नहीं हुई तुम्हें, इसलिए मुझे ना तुम बख्श दो और जाओ यहाँ से, तुम्हारा झूठ नहीं सुनना है मुझे। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, यू फूल, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? वो एक इंसान जिसके लिए मैं सच में फील करती हूँ वो तुम हो देव। तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता तुम्हें किसी और के साथ देख के? हाँ मेरा दिल नहीं जलता है जब तुम किसी और लड़की के साथ होते हो, वो उसके पास जाते हो, उसको हाथ लगाते हो, जल के राख हो जाती हूँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कोई और तुम्हें हाथ लगाए, क्योंकि देव मैं तुमसे क्या, क्योंकि मुझसे क्या हुँ? क्या कह रही थी? बर्दाश्त नहीं कर पाती क्यों? बोलो ना, जो बात शुरू की है बोलो ना, फिनिश द सेंटेंस। जब मैं किसी को छूता हूं तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती क्यों? जवाब नहीं है। अगर तुम आज भी इसका जवाब नहीं दे सकती हो, इसका मतलब यही है कि तुम आज भी वही हो, वही एक साल पुरानी वाली वृंदा हो, जो यार और प्यार में फर्क नहीं कर पाई, एक धोखेबाज बीवी हो जो अपने पति को नहीं चुन पाई। यू आर अ चीट, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम झूठी हो, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो सब लोग पीछे पड़े, उस नागमणी के पीछे पड़े वो लोग। वो नागमणी जो बहुत कीमती है, बहुत शक्तिशाली है, उसके बेचने पर बहुत सारे पैसे मिलने वाले, इसीलिए सब लोग उसके पीछे पड़े।
मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, सुना तूने? कोई जरूरत नहीं है अब मुझे तेरी। याद है इसी दिन हमें बहुत सारा पैसा मिला था? हिम्मत कैसे हुई उसकी? क्या कर रहा है वो? क्यों? मार क्यों नहीं दिया मैंने उसको? उसे तो उसी वक्त मार देना चाहिए था जब मैंने वो नागमणि उसके माथे पे देखी थी। क्यों? क्यों? क्यों कमजोर पड़ जाती हूँ मैं उसे देखते ही? कितना अभ्यास किया मैंने अपने आप को, इतना मजबूत बनाया, फिर क्यों कमजोर पड़ गई मैं? क्यों? क्यों उसे देखते ही मैं अपना बदला भूल जाती हूँ? क्यों भूल जाती हूँ मैं सब कुछ? कैसे भूल गई मैं? कैसे भूल गई मेरी बहन का कातिल है वो? मेरी माँ को मारा उसने मेरे सामने, कैसे भूल गई? कैसे? क्यों हार गई मैं? नहीं वृद्धा, उस इंसान के लिए अपने आंसू मत बहा। वो तेरे बचपन का दोस्त जरूर था, लेकिन अब वो तेरे अपनों का खूनी है। उसे उसी नजरों से देख और अगली बार उसे सजा दे, मार दे उसको, खत्म कर दे उसको, सब कुछ खत्म कर दूंगी। रंग भर से भीगी रंग भर। मार ही डालोगी? हॉट गर्ल इन वाइट, वाओ, सुपर्ब। वैसे अंदर सब होली में रंगीन हुए घूम रहे हो और तुम यो कि यहाँ वाइट कपड़ों में बैठी हो, क्या हुआ? वार्डरोब चेंज कर लिया क्या? इतनी बुरी भी नहीं लग रही हो। रात को अकेली निकलोगी तो माँ कसम चांदनी लगोगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक पुजारी की बेटी को ये सब बोलूंगा, बट क्या करूं, मैं हूं इतना अश्लील। वैसे एक बात बताओ, टेक्निकली तो तुम मेरी भाई की बीवी रही नहीं, तो ये सब पतिव्रता का नाटक क्यों कर रही हो? कम ऑन वृंदा, लेट्स प्ले सम नॉटी होली। तेरे जैसे लड़के लड़कियों को सिर्फ यही समझते हैं ना, खेलने की चीज। शादीशुदा हो तो दूर रहो और अगर सिंगल हो तो टूट पड़ो। नो 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 बेबी, वो शादीशुदा लड़कियों से दूर रहने वाला डिपार्टमेंट रोहन का, मुझे कोई भी चलती है। सिंगल मैरिड डिवोर्स्ड। और सबसे बेस्ट चीज बताऊं, शादीशुदा लड़कियां सबसे सेफ। साला कुछ भी कर लो, गले नहीं पड़ती। गले नहीं पड़ती, गला पकड़ लेती है। क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी आंखों को क्या हो रहा है? क्या हुआ? पटाना था ना तुझे, रंगीन मिजाज है ना तेरा। हाँ प्लीज, रंग बहुत पसंद है ना तुझे, वही कर रही हो? क्या हुआ? अब मुझे नहीं रंगना, बोल, मुंह खोल। छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। मैं तुम्हें तेरी मानूंगा, हर लड़की की पूजा करूंगा। तू देवी बनाएगा तू? अरे लड़कियां देवी होती है, पूजी जाती है वो, पर तेरे जैसा राक्षस क्या समझेगा?
तुम जैसे लोग ऐसे राक्षस होते हैं जो पतिव्रता सीता को भी रावण बन के हर लाएंगे। और तू क्या, तेरे सारे भाई ऐसे। देखा था मैंने उस दिन, सब देखा था मैंने, कैसे तुम सब ने तारा के पीछे भूखे भेड़ियों की तरह भागे थे। देखा था मैंने कैसे उसे बेमौती थी, सब देखा था मैंने। पर आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तेरा पाला एक लाचार औरत से नहीं, एक इच्छाधारी नाकिन से पड़ा है, जो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, अपनी जान से भी ज्यादा महंगा। उठ, भाग, भाग, भाग अपने परिवार के पास, क्योंकि मैं तुझे ऐसी मौत नहीं दूंगी, सन्नाटा में नहीं मारूंगी तुझे, तेरे पूरे परिवार के सामने मारूंगी, डंके की चोट पे मारूंगी। भाग! अरे तू खा ले, तू खा ले भाई, तू खा ले, मिर्ची बहुत मस्त है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, नीचे देख कैसे फूटता है। एक मिनट। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरे बेटे को ये क्या हुआ है, ये किसने किया है मेरे बेटे का? ये हर्ष दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, शूट आयु हर्ष। एक बार आगे खोल दे बेटा। डॉक्टर को बुलाया किसी ने? मैंने कॉल किया। मानस फर्स्ट एड किट लेकर आ। हाँ भाई। हर्ष, गाइस डोंट पैनिक। मैं कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं लेती, मगर इसकी जान ली क्योंकि ये बेगुनाह नहीं था। मेरी बहन नयनतारा की जान लेने का पाप किया था इसने, इसे तो मौत मिलनी थी और अब इसकी बाकी भाइयों को भी मिलेगी। एक एक करके सबकी बारी आएगी।